अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। तो आज मैं करने जा रही हूँ मील प्लानिंग, और मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाऊँ कि मैं कैसे मील प्लानिंग करती हूँ। तो पेपर ले लें, पेन ले लें और अपना फ़ोन ले लें और हो जाए सारे रेडी। तो मील प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि हमारे घर में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है और हम हाउसवाइफ्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि आज क्या पकाएं। और ये बहुत बड़ा सवाल होता है, उसके आगे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है कि आज क्या बनाएं। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने ये मील प्लानिंग स्टार्ट कर दी हुई है। इट्स बीन ईयर्स दैट आई हैव बीन मील प्लानिंग, और इतना ईजी रहता है और बहुत फ़ायदेमंद रहता है। किस तरह से कि एक तो जो मैं मील प्लानिंग करती हूँ वो बहुत ईजी होती है। कैसे प्लान करना है आपको सोचना नहीं पड़ता कि ये बनाना है वो बनाना है, खुद ब खुद आपको सामने आता जाता है कि आपने पूरा वीक क्या बनाना है। दूसरी बात ये कि ये होती है अफोर्डेबल, इस तरह से कि आप पहले अपने लेफ्ट ओवर आइटम्स यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद ग्रोसरी लेने का सोचते हैं, तो घर के आइटम्स में से ही काफ़ी हद तक खाना एवरी वीक बन जाता है। और इस तरह से तीसरी बात ये कि वेस्टेज नहीं होती फूड की, और ज़्यादा स्टोरेज भी फूड की नहीं करनी पड़ती। और उसके अलावा भी ये कि आप घर पर बहुत सारा खा सकते हैं, ढेर सारा खा सकते हैं, हेल्दी होता है घर का खाना। जो भी हम ऑप्शन यूज़ करते हैं वो घर के होते हैं, हमें पता होता है इस चीज़ में क्या डला हुआ है। जब घर पे बनाने की आदत हो जाए तो फैमिली को भी घर पे खाने की आदत हो जाती है, तो इस तरह भी बहुत सारी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। और जब फैमिली घर पे खाने लग जाती है फिर शौक शौक से नए खाने घरों पे बनाए जाते हैं, जिस वजह से हम जो हाउस वाइफ्स हैं, किचन क्वींस हैं, हमें भी बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हम ये भी बनाएं वो भी बनाएं और फैमिली को मज़े मज़े का खाना तैयार करके दें। और ये सब बहुत ईजीली घर पर मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो जितना मैं खाना बनाती हूँ, देखने वाले अक्सर मुझसे कहते हैं कि आपका तो बड़ा खर्चा लगता होगा, आपका तो बहुत ज़्यादा बिल आता होगा ग्रोसरीज के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे मील प्लानिंग करती हूं। तो चलें रेडी हो जाते हैं, आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज दिखाने लगी हूं। तो मील प्लानिंग के लिए सबसे पहला मेरा स्टेप ये होता है कि मैं एक बना लेती हूं लिस्ट। लिस्ट आप चाहें तो पेपर पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यूज करती हूं टेक्नोलॉजी। सो ये बहुत बड़ी टिप है कि अगर आपने अपना काम एफिशिएंटली करना है तो अभी टेक्नोलॉजी है तो उसको हम क्यों यूज़ ना करें, उसका यूज़ करें ताकि अच्छे इफ़ेक्टिव और कम टाइम में रिजल्ट्स हमें मिले। तो मैं यूज़ करती हूँ एवरनोट। एवरनोट एक ऐप है, बाय द वे कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो जो मैं यूज़ करती हूँ। तो एवरनोट एक ऐप है जिस पर जो एक बेसिकली नोट पैड है, इसके ऊपर आप वॉइस नोट्स लिख सकते हैं, आप इसके ऊपर पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं और चेकलिस्ट बना सकते हैं, जो भी चाहें आप टू डू लिस्ट है बेसिकली आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मुझे ये ऐप इसलिए पसंद है कि इसमें चेक बॉक्सेस होते हैं, आप जो भी लिस्ट बनाते हैं आप उसको चेक करके टिक करते जाएं तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ ये काम हो गया पूरा। तो इस तरह से चेकलिस्ट बनाना ईजी रहता है मुझे और मैं इसको यूज़ करती हूँ। और स्टेप नंबर टू मेरा ये होता है कि मैं सबसे पहले देखती हूँ फ्रिज में, और फ्रिज में आपने क्या देखना है, आपने देखना है लेफ़्ट ओवर और वो चीज़ें कि जो लेफ़्ट ओवर नहीं हैं लेकिन वो हो सकती हैं ख़राब। फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट ओवर में आपके पास पास्ता सॉस हो सकती है, पिज्ज़ा सॉस हो सकती है, थोड़ा सा योगर्ट हो सकता है जो आपको लगता है कि ये अब एक्सपायर होने वाला है इसको यूज़ करना है, और कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हो सकती हैं जो आपने फूड रेडी किया है, कुक्ड फूड है और आपको लगता है कि ये आपने खा लिया था और नेक्स्ट खाना बन गया है, तो वो लेफ्ट ओवर्स होते हैं फूड के। ठीक है, तो ये दो तरह की चीज़ें कि जो एक तो वैसे ही आपको यूज़ करनी है विद इन दिस वीक, और दूसरे जो लेफ्ट ओवर जो ख़राब होने वाले हैं, इन दोनों को आपने नोट डाउन कर लेना होता है। तो चलिए हम अपना फ्रिज देख लेते हैं और साथ साथ चीज़ें लिख लेते हैं। पिज्ज़ा सॉस, थोड़े से ग्रीन ऑलिव्स, ये सारी सॉसेज हैं। इसमें आप देख लें कि कौन सी सॉस है जो एक्सपायर तो नहीं कोई होने वाली है, और आप इसको यहाँ से देख के तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी एक्सपायर होने वाली हैं और आपको क्या यूज़ करनी है। अब इसमें कुछ ऐसी होती है कि आपको अर्जेंटली यूज़ करने की ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल पिज्ज़ा सॉस एक दो हफ्ते चल सकती होती है, लेकिन ऑलिव्स और चिक पीस नहीं चलते हैं, तो वो आपको एक वीक में यूज़ करने हैं, विद इन दिस वीक यूज़ करने हैं। तो एक तो ये फ्रिज का डोर हो जाता है जिसमें आपने सॉसेज वगैरह सारी रखी होती हैं, और उसके अलावा ये मेन कंपार्टमेंट फ्रिज का हो जाता है जिसमें वो चीज़ें हैं जो कोई लेफ्ट ओवर फूड है, या जैसे मैं आपको दिखाती हूँ मेरे फ्रिज में पिछले वीक से, वो आपको लास्ट में नज़र आ रहा होगा पाइनएप्पल पड़ा हुआ है जिसको मुझे इस वीक में हर सूरत में यूज़ करना है। उसके अलावा
उसके अलावा ये है कंडेंस्ड मिल्क जो मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको मैंने यूज़ करना है। इसके ऊपर मैंने क्लिंग रैप लगा दी थी, थोड़ा सा यूज़ किया था, बाकी रह गया। तो इस तरह से आप ये फ्रिज को देख लें कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। हो सकता है आपका कोई सालन हो, कोई राइस हो जो बने पड़े हैं, हो सकता है आपको उनको रिक्रिएट करना पड़े, तो वो भी आप इसमें करेंगे। और जो जो चीज़ें आपको लगता है कि ख़राब हो चुकी हैं, वैसे तो फ्रिज ऑर्गेनाइज किया हो तो ख़राब होने का डर कम होता है, लेकिन स्टिल किसी के बच्चे छोटे होते हैं, किसी को हैबिट नहीं होती है, तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो आप इस तरह साथ साथ क्लीन अप भी करते जा सकते हैं कि अगर कोई चीज़ जो है वो ख़राब हो चुकी है तो आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। सो इसमें स्टेप नंबर 1 था, सारी मैंने अपनी सॉसेज वगैरह चेक कर ली हैं। स्टेप नंबर 2 था, मैंने फ्रिज का मेन कंपार्टमेंट चेक कर लिया है, लेफ्ट ओवर फूड्स चेक कर लिए हैं, और बीच स्टार्ट हो गई है। और स्टेप नंबर 3 है फ्रेश प्रोड्यूस, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेश प्रोड्यूस में आपको नज़र आएंगे टमाटर, और ये थोड़े से लेमन ख़राब हो रहे हैं, ये कैप्सिकम है, ये सारी देखें रिंकली हो रही है, उसके अलावा ये गोभी पड़ी हुई है, गार्लिक जिंजर पड़ा हुआ है, और उधर पीछे जो है वो ग्रीन कैप्सिकम भी, ग्रीन बेल पेपर पड़ी है, वो चीज़ें मुझे यूज़ करनी है। उसके अलावा ये फ्रूट हैं, ये भी ख़राब हो सकते हैं इस वीक। अनार तो पुराना हो गया, उसको भी मुझे यूज़ करना है, और ये मैंगो और इस तरह की चीज़ें मुझे, इनको भी यूज़ करना है। ठीक है, तो ये मैं चीज़ें लिख लेती हूँ। ये एप्पल सारे फ्रेश हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं वो पिछले वीक की हैं जो अभी तक पड़ी हुई हैं। तो ये हो गया मेरा फ्रिज लिस्ट, ये मैंने सारी प्रिपेयर कर ली है, ये मैं आपको इस पे स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी। ये सारी मैंने लिस्ट प्रिपेयर कर ली है हर चीज़ की, जो जो चीज़ें मुझे यूज़ करनी है। आते हैं हम हमारे स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो कि है हमारा फ्रीज़र। तो फ्रीज़र को चेक कर लेते हैं, आई होप आपको नज़र आ रहा है। फ्रीज़र भी मैंने रमज़ान के बाद काफ़ी ऑर्गेनाइज किया था, और फ्रीज़र में जो चीज़ें हैं इनको मैंने साथ साथ नोट डाउन करना है। फ्रीज़र में है मेरे पास थोड़ा सा कॉटेज चीज़ पड़ा हुआ है जो कि मुझे इस वीक यूज़ करना है, थोड़ा सा चेडर चीज़ पड़ा हुआ है वो भी यूज़ करना है। उसके अलावा ये देखेंगे ये फ्रोज़न मैंगोज हैं, ये थोड़े से रॉ मैंगोज हैं लेकिन मुझे यूज़ करना है, और ये बनानास हैं, इनका मिल्कशेक वगैरह कुछ बन सकता है। और उसके अलावा थोड़े से फ्रोज़न समोसे वगैरह पड़े हुए थे जो कि रमज़ान के बाद पड़े हुए हैं, जो कि आई थिंक 5-6 से ज़्यादा नहीं है, तो वो किसी दिन मुझे शाम में बनाने हैं। तो ये जो फ्रीज़र के आइटम्स हैं इसको मैंने लिख लिया है। उसके अलावा हाँ, जहाँ पे नीचे जो है ये होते हैं, नीचे जो कंपार्टमेंट्स हैं, ड्रॉर्स हैं, इसके अंदर होते हैं मीट वगैरह, तो उसमें मेरे पास थोड़ा सा बीफ का मिंस पड़ा हुआ है, थोड़े से श्रिम्स पड़े हुए हैं जो कि मुझे यूज़ करने हैं, और उसके अलावा बाकी जो चिकन वगैरह और मिंस मीट चिकन का है वो मुझे नहीं यूज़ करना है, वो साथ साथ वैसे ही चलता रहता है, कोई डिश बनाते हैं तो साथ साथ वो यूज़ होते हैं। बेसिकली चीज़ें मैं वो लिख रही हूँ जो मुझे यूज़ करनी है, प्रायोरिटी पे हैं फ्रिज में जो लेफ्ट ओवर फूड है, सेकेंड नंबर पे फ्रिज में वो हैं जो सॉसेज हैं वगैरह हैं, और थर्ड नंबर पे फ्रीज़र है उसमें जो मुझे यूज़ करना है, और फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारा जो पैंट्री होती है, ये है इसमें मेरी पैंट्री आइटम्स पड़ी होती हैं, और इसमें मैं देख लूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रा ज़्यादा पुरानी हैं तो उनको भी मैं लिख लूँगी, और ये ब्रेकफास्ट आइटम्स में भी। तो मैंने कैबिनेट्स वगैरह को शिफ्ट किया था, और इस वजह से मुझे पता है कि मेरी पैंट्री में ऐसा फ़िलहाल कोई स्टफ़ नहीं है जो मुझे अर्जेंट बेसिस पे यूज़ करना है। सो ये तो हो गई सारी लिस्ट, मैंने लिस्ट बना ली है। अब उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये लिस्ट हमारी हो गई है रेडी, और अब इसके बाद हम रेसिपीज़ फाइंड करेंगे और डिसाइड करेंगे और फिर नोट डाउन करके रख लेंगे, पूरे वीक के लिए हम रेडी हो जाएंगे। मेरी नज़र में एक अच्छा मेन्यू प्लान वो नहीं होता, या एक अच्छा मील प्लान वो नहीं होता कि जिसमें हम पहले रेसिपीज डिसाइड करें कि हमने क्या क्या बनाना है, फुल चश्का लगाया हो उसमें, ये भी बनाएंगे वो भी बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम जाके ग्रोसरीज लेके आते हैं तो हमारे काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं, और उसके बाद आके हम देखते हैं कि वो कई चीज़ें तो पड़ी हुई थी, ये तो लाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर उसके बाद हम जाके तो चीज़ें बनाने शुरू करते हैं, ऑलरेडी लेफ्ट ओवर्स पड़े होते हैं, कुछ उसमें से ख़राब हो जाते हैं, कुछ उठा के फ्रीज़र में रख दिए जाते हैं, और वट एवर गोज इन टू द फ्रीज़र नेवर कम्स आउट, ये तो मेरा मानना है। तो इस तरह से करके सारी गड़बड़ हो जाती है, और अगर डिसाइड ही ना किया हो कि बनाना क्या है पूरा वीक, तो तब तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। सो पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ जो जो लिस्ट है। लिस्ट में
फ्रीजर हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे, सेकंड नंबर पे फ्रिज होगा, और फिर सबसे पहले हम फ्रेश प्रोड्यूस यूज करेंगे जो कि सबसे नीचे आपको नजर आ रही होगी, बेल पेपर रेड और ग्रीन, फिर उसके अलावा एक बैंगन है, थोड़े खीरे हैं, टमाटर हैं, पाइनएप्पल है, लीमू और मैंगो, ये चीज़ें मुझे यूज़ करनी है। फ्रिज में कंडेंस्ड मिल्क है, हेलोमी, टोमेटो प्यूरे, बॉयल्ड राइस पड़े हुए हैं, पिज्ज़ा सॉस, ग्रीन ऑलिव्स पड़े हुए हैं मेरे पास। इसके अलावा फ्रीजर में जो है वो मशरूम, एप्पल सॉस, मशरूम्स, कॉर्न, कॉटेज चीज़, चॉकलेट आइसक्रीम, फ्रोजन चिकन बॉल्स, समोसे, फ्राइज, बीफ मिंस, श्रिम्प्स एंड बनाना। तो स्टेप नंबर वन क्या है? स्टेप नंबर वन ये है कि इस लिस्ट को गौर से एक दो मिनट में लगा के देखूं और मैं ये सोचने की कोशिश करूं कि इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स एंड मैच करके शायद मैं कोई रेसिपी क्रिएट कर सकती हूं, और जितना मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली कुछ उसमें फिट करता है कि नहीं करता। और जरूरी नहीं है कि वो फुल मील हो फैमिली के लिए, वो स्नैक्स भी हो सकते हैं, ब्रेकफास्ट आइटम्स भी हो सकती हैं, डिज़र्ट्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीज़र में मशरूम्स और कॉर्न्स देख के, और साथ में हमारे पास फ्रिज में है पिज़्ज़ा सॉस, ग्रीन ऑलिव्स, और प्रोड्यूस में हमारे पास बेल पेपर्स पड़ी हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे किसी तरह का पिज़्ज़ा बन सकता है। तो ये तो आइटम्स हो गए, इनको हम टिक कर देते हैं, पिज़्ज़ा सॉस, ग्रीन ऑलिव्स, ग्रीन बेल पेपर, मशरूम्स, कॉर्न्स, और जो चीज़ है मेरे पास चीज़ स्लाइसेस पे पड़े हुए हैं, मोज़रेला चीज़ भी पड़ा हुआ है, तो वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करके तो हम बड़ा अच्छा सा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क पड़ा हुआ है फ्रिज में, इसको भी टिक कर देते हैं, और मेरे पास फ्रेश क्रीम पड़ी है, तो इन दोनों को मैं ब्लेंड करके तो बना लूँगी आइसक्रीम। ये जो बाकी बेल पेपर्स वगैरह हैं, मैंगो हैं, बॉयल्ड राइस हैं, बॉयल्ड राइस को मुझे बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म नहीं करना आता है, इसकी बहुत सारी डिशेस हो सकती हैं। तो अब हम चलते हैं स्टेप टू पे, बाकी सारी वो चीज़ें हैं, समोसे भी आपको दिखा देती हूँ। समोसे वो चीज़ है जो मैंने एक दो दिनों में फ्राई कर लेने हैं, बस 5-6 समोसे हैं तो वो हम खा लेंगे, फ्रोजन चिकन बॉल्स भी हम खा लेंगे। किसी दिन नाइट में हम डिनर नहीं करेंगे और इवनिंग में हम स्नैक्स खा लेंगे तो पेट भर जाएगा। और अब बनाना जो है उसके हम किसी दिन मिल्क शेक बना लेंगे और बनाना भी हो जाएगा डन। और एप्पल सॉस जो है वो ब्रेड पे लगा के, तो मैं ब्रेड को फ्राई कर लेती हूँ, मतलब दोनों साइड से ना थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा के क्रंची कर लेती हूँ, तो वो सैंडविच बन जाते हैं एप्पल सॉस वाले, तो वो भी हो जाएगा डन। तो अब ये जो हमारे पास इंग्रीडियंट्स रह गए हैं, इनके लिए हम क्या करेंगे कि हम यूज़ करेंगे डिफरेंट तरह की एप्स। मैं जो एप्स यूज़ करती हूँ वो है बिग अवन, किचन पैल एंड डिनर स्पिनर। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स ओपन डिनर स्पिनर, इसमें आप सिर्फ सर्च पे जाएं और आप इंग्रेडिएंट लिखें बॉइल्ड राइस, बोल्ड राइस नहीं बॉइल्ड राइस, और ये देखें कितनी सारी रेसिपीज आ गई हैं, सिनेमन राइस साउंड्स डिलिशियस, राइस सैलेड, पीनट राइस, मैक्सिकन राइस अच्छे लग रहे हैं, ब्राउन राइस एंड केल सैलेड, इसको वाइट राइस के साथ भी हम बना सकते हैं, सैफ्रन राइस हैं, और साउथ अफ्रीकन येलो राइस, मतलब कितनी सारी वैरायटी है। और इसी तरह ये है जी मैंगो लाइम राइस, यमी साउंड्स यमी, तो इसको मैं हार्ड कर लेती हूँ, इसको मैं ऐड कर दूंगी, इसको मैं मेन डिश कर लूंगी, क्योंकि मैं किसी भी कोई भी साथ में चिकन की डिश बनाऊंगी तो मेरे लिए हमारे लिए ये राइस जो है ये मेन होते हैं, तो ये तो डन हो गया। उसके अलावा मेरे पास पड़ी हुई है चिकन थाइस, तो मैं साथ में चिकन की डिश बना लूंगी, चिकन थाइस लिख लेते हैं। और ये देखिए कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिस्पी बेक चिकन थाइस, रस्टी चिकन थाइस, और ये बहुत यम्मी लग रहे हैं इजी बेक चिकन थाइस। नंबर वन यानी क्या हुआ, हमने रेसिपीज इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देख के हमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि क्या क्या बन सकता है। नंबर टू हमने ऐप में से देख लिया जो जो इंग्रेडिएंट्स ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हैं, ऐप में से हमने ढूंढ लिए। नंबर थ्री अब वो रह जाएंगे इंग्रेडिएंट्स जो इजी है, जो घर में पाकिस्तानी स्टाइल से, हमारे स्टाइल से, जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, आपका जो भी स्टाइल है आप उस स्टाइल से खाने बनाते हैं तो आप देख सकते हैं। उसके लिए मेरे पास ये ह्यूज कलेक्शन है जो मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा बताया था, ये मेरा फोल्डर है करीज एंड राइस का, जो भी सारी मेरी रेसिपीज़ हैं वो सारी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो मैंने ऐप्स वगैरह से ढूंढी होती हैं, उन सब के भी जो मुझे अच्छी लगती हैं उनके मैं प्रिंट आउट्स निकाल के रख लेती हूँ, लेकिन ये मेरी इतनी ह्यूज कलेक्शन है कि मुझे हमेशा वैसे इसमें से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। उसके अलावा ब्रेकफास्ट की फोल्डर है, इसमें सैलड्स भी हैं, सॉसेज भी हैं एंड स्पाइस मिक्सेस भी हैं। तो एक मेरा फोल्डर ये है, एक मेरा फोल्डर है स्नैक्स एंड डिज़र्ट्स का, और एक मेरा फोल्डर है मग मील्स का, सारे मग मील्स है इसके अंदर। तो
और ये मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं कि ये जो है ना, ये मेरी पूरी की पूरी फोल्डर है रमजान रेसिपीज की। दिखाती हूँ मैं आपको एक और चीज, ये है मेरा वीकली प्लानर और ये मुझे मिला था यहाँ पे जरीर से। अगर आपको ये नहीं भी मिलता है तो ज़रूरी नहीं कि आपने प्लानर लेना। वैसे प्लानर जो है ना वेस्ट की साइड पे बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं और मुझे बड़ा शौक है प्लानर्स लेने का। मैं आपको एक प्लानर दिखाती हूँ, मैंने जरीर से ही लिया था, 2018 एंड 2019 का था, तो ये अब नहीं चलता। और आप ये देखें कितना अच्छा ये प्लानर है, इसमें मंथ वाइज है और इसमें प्यारी प्यारी सी चीज़ें लिखी होती हैं, डिज़ाइन होते हैं। मुझे ऐसी चीज़ें यूज़ करने का, स्टेशनरी टाइप का बहुत ज़्यादा शौक है, बचपन से ही शौक है और अब इसको मैंने अपना जो है ना पैशन बना लिया हुआ है और अपने हर डेली लाइफ में मैंने ऐड कर लिया हुआ है। एनीवेज, ये हमारे हो गया, सारी रेसिपीज हमने देख ली हैं। तो साथ साथ ही हम क्या करेंगे कि हम रेसिपीज लिखते जाएंगे। ये नोट्स वाला सेक्शन है, इसमें मैं टोटल रेसिपीज लिख लेती हूँ कि मैंने कौन कौन सी बनानी है और फिर उसके बाद मैं डेज में लिख लेती हूँ कि मैंने कौन से डे में कौन सी लिखनी है। तो हम जल्दी जल्दी ये काम कर लेते हैं। यहाँ पे वीकडे स्टार्ट होता है संडे से, सो संडे को रेसिपी लिखूंगी मैं, मंडे को लिखूंगी, देन ट्यूसडे को मैं कोई रेसिपी नहीं लिखूंगी, इसलिए कि हो सकता है कि संडे और मंडे के बाद मेरे पास लेफ्ट ओवर हो। सो ट्यूसडे को हम लेफ्ट ओवर खा लेंगे, अगर नहीं होगा तो आई कैन जस्ट रैंडमली डिसाइड समथिंग, यहाँ पे मैंने लिखा होगा और उसमें से मैं चूज कर लूंगी। और उसके बाद वेंसडे एंड थर्सडे को मैं रेसिपीज बनाऊंगी और फिर फ्राइडे को हम या तो कुछ क्विक सा कर लेंगे या कोई बारबेक्यू वगैरह कर लेंगे या कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। अब चूंकि सिचुएशन ऐसी है तो ज्यादा बाहर से हम ऑर्डर नहीं करते, कभी कभी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते लेकिन बहुत कम करते हैं। और फिर उसके अलावा सैटरडे को भी मैं कुछ बनाऊंगी। तो इस तरह से करके हम डिसाइड कर सकते हैं। और फ्राइडे वाले दिन के लिए मैं ब्रेकफास्ट भी सोच के रखती हूँ क्या बनाना है, और थर्सडे वाले दिन मैं कुछ बहुत स्पेशल बनाती हूँ कि ताकि फ्राइडे को अगर हमने बाहर से नहीं खाना है तो घर पे इतना मजे का खाना बनाओ कि फ्राइडे को मैं फैमिली को टाइम दे सकूँ। मुझे भी तो ऑफ चाहिए, तो हस्बैंड का ऑफ होता है तो फिर मैं भी इस वजह से ऑफ लेती हूँ। फ्राइडे को ब्रेकफास्ट उनको अच्छा सा कराती हूँ और उसके बाद आराम से बैठ जाती हूँ। तो कभी हम ऑर्डर कर लेते हैं और अगर खाना जो एक दिन पहले जो है वो मैंने जबरदस्त किस्म का बनाया हो तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर बाहर से ऑर्डर नहीं करते और वो हमारा प्लान पहले से हो जाता है कि कल खाना बाहर से खाना है या मैं आज ही घर पे बना लूं, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हम कर लेते हैं। तो ये थी मेरी मील प्लानिंग वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस मील प्लानिंग का लास्ट पार्ट ये है कि फिर भी अगर आपको कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स बनाने जो रेसिपीज बनानी है कि जो लेफ्ट ओवर के अलावा बनानी है, उसमें आप अपनी पैंट्री में चेक करेंगे कि आपके पास वो चीज़ें पड़ी हैं या नहीं, और फ्रिज फ्रीजर में चेक करेंगे कि वो चीज़ें पड़ी हैं कि नहीं, और अगर पड़ी हुई हैं तो आपको वो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं पड़ी हुई हैं तो आप वो लिस्ट बना लेंगे। सो जो भी रेसिपी इंटरनेट से डाउनलोड करें या किसी बुक में से देखें या अपनी कलेक्शन में से निकालें तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को एक दफा गो थ्रू कर लें। जो जो चीजें आपके पास नहीं हैं उनको आप लिख सकते हैं और फिर वही सिर्फ आप शॉपिंग करें जिसकी आपको जरूरत है। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। मैं जब जाऊंगी नेक्स्ट ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, जो कि आई थिंक 2 से 3 वीक्स में जाऊंगी, क्योंकि आजकल मैं अपने सारी पैंट्री को भी खाली करना चाह रही हूं, तो हो सकता है कि मैं कोई अपनी मेजर ग्रोसरी लेने ना जाऊं। तो जब मैं जाऊंगी तो मैं आपसे अपनी ग्रोसरी शॉपिंग भी शेयर करूंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स, और उस वक्त मैं आपसे ग्रोसरी शॉपिंग ऐप शेयर करूंगी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि वो बिल्कुल फ्री है। ये सारी ऐप्स भी फ्री हैं बाय द वे, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है आपको पता है, और वो भी बिल्कुल फ्री होगी, और लेकिन मैं उस वक्त आपसे वो सब शेयर करूंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये टिप्स कैसी लगी, और ट्रस्ट मी ये ट्राई करके देखें, आपका लेफ्ट ओवर फूड वेस्ट नहीं हुआ करेगा, आपके जो फ्रीजर आइटम्स हैं वो यूज होने लग जाएंगी, आपकी पैंट्री जो है वो भी वो क्या कहते हैं कि मूव करना शुरू कर देंगी, चीज़ें जो पड़ी हैं वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी और यूज़ होने लग जाएंगी। और बस साथ में कोशिश ये करनी चाहिए कि खाना उतना सा ही बनाएं जितना सा ख़त्म हो जाए, तो लेकिन फिर भी बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं होती, कभी कुछ ज़्यादा बन ही जाता है, तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आज मैंने आपको दिखा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेस्टेज बहुत मिनिमम होती है और इसी तरह से करके हमारी कोशिश रहती है, और हमारे खाने पीने पर बहुत हेल्दी फूड भी हम खाते हैं और होममेड फूड भी खाते हैं और थोड़ा सा जंक भी खाते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे बहुत इजीली बजट में मैनेज हुआ होता है। तो ये है जी हमारी
वीडियो, और मुझे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर मेरी टिप्स हेल्पफुल लगी हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से, फैमिली से ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।